अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यखनी बिरयानी की रेसिपी। ये चिकन यखनी बिरयानी है जिसमें आपको अलग से यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही जल्दी ये बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही खुशबूदार एकदम बावर्ची स्टाइल में। तो यहाँ पर सबसे पहले बर्तन को गर्म करने के लिए रख देंगे गैस पर, और इसमें मैं 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी तेल के। तेल को अच्छे से गर्म करना है। तेल गर्म हो जाए तो यहाँ पर डाल दूंगी मैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, इसको डालकर इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज को यहाँ पर ब्राउन होने तक फ्राई कर लें और इसके साथ में ही डाल देंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 3 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 जायफल की पत्तियाँ और 1 छोटा बादियान का फूल, और 1 छोटा टुकड़ा लिया है यहाँ पर मैंने जायफल का। खड़े मसाले डालने के बाद 1 से 2 बार चला लें और इसके साथ में डाल देंगे चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें फ्राई कर लें, और यहाँ पर चिकन मैंने 1 केजी लिया है। अब इसके साथ में ही डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको डालकर भी इसमें फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे 8 से 10 यहाँ पर हरी मिर्च मैंने ली है, वो इसमें डाल देंगे। अगर आपको कम तीखा पसंद हो तो हरी मिर्च थोड़ी आप कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा और ज़्यादा इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर 3 मैंने हरी इलायची ली है, इसको भी कूट कर इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर लिया है मैंने साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ ली है। इन दोनों को पीस कर ग्राइंडर में डालकर और इसका बारीक सा एक पाउडर बना लेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे। बारीक इसका पाउडर बनाना है और इसे डालने के बाद इसमें अच्छे से भून लें। और यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी नमक। नमक यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा डाला है, इसके बाद जब हम चावल डालेंगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पर डाल दूंगी मैं 1/2 कप दही। दही को अच्छे से बीट करने के बाद इसमें डालें ताकि कोई लम्स नहीं रहे इसमें, और दही डालकर इसको हम भून लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे और इसे फिर से 1-2 बार भून लें ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं। 2 से 3 बार चम्मच बीच में चलाते रहें। 3 से 4 ड्रॉप डाल दूंगी मैं केवड़ा वाटर की, इससे थोड़ी बिरयानी में ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। हम लास्ट में भी डालते हैं लेकिन थोड़ा भूनते हुए भी आप इसमें डाल दें 3 से 4 इसकी ड्रॉप्स, और उसको डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब यहाँ पर ये मसाला बिल्कुल भुन चुका है और इसमें डाल देंगे अब चावल। चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, और आप कोई भी बासमती राइस जो बिरयानी में आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर 4 कप मैंने चावल लिए हैं। 4 कप चावल में मैं 2 गिलास पानी डाल दूंगी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पानी रख सकते हैं। अगर आपके चावल ज़्यादा पानी लेते हैं बिरयानी के तो आप उसमें 1/2 गिलास पानी और डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी लिए थे और इसमें मेरी बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, एकदम खिले खिले चावल बने थे। यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। नमक इसमें पहले भी डाला है मैंने तो आप देख कर कम या ज़्यादा इसमें रख लें। मैं 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ, और 2 लाल मिर्च साबुत डाल देंगे। ये भी बिरयानी में अच्छी लगती हैं, ऑप्शनल है, चाहें तो आप डाल दें वरना इसको स्किप कर दें। और इसके बाद में लास्ट में डाल दूंगी मैं 1/2 नींबू का रस, और इससे बिरयानी एकदम खिली खिली और वाइट बनेगी। इसको कवर करके रख दें। इसको पहले हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे, और जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद इसको फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जब इसमें 1 से 2 बॉईल आ जाएं और सारा पानी इसका ड्राई हो जाए, हल्का हल्का पानी इसमें होना चाहिए, और इसके बाद 1 चम्मच चला लेंगे इसमें। ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं लगाना है वरना सारे चावल टूट जाते हैं। सा ऊपर नीचे करके चम्मच से, और इसमें मैं डाल दूंगी फूड कलर। यहाँ पर हल्का सा मैं फूड कलर तीनों साइड में डाल दूंगी। साथ में ही यहाँ पर 1 से 2 ड्रॉप मैं डाल दूंगी केवड़ा वाटर की। केवड़ा वाटर मैंने पहले भी डाला है इसलिए लास्ट में सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप डालनी है हल्की सी खुशबू के लिए। और इसके बाद इसको कवर करके रख देंगे। आप इसके जो ऊपर ढक्कन है उस पर एक कपड़ा लगाकर इसे कवर करके रख दें ताकि इसकी जो जितने भी स्टीम है उसी में ये पक जाए, और बहुत ही स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। मैंने इसे 10 मिनट तक कवर करके रख दिया था, और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। बिरयानी बिल्कुल तैयार है, अब इसे खोल कर देख लेंगे। और बहुत ही हल्के हाथ से इसमें स्पून लगाना है ताकि चावल बिल्कुल टूटे नहीं।
बिरयानी एकदम तैयार है और ये बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम देगी बिरयानी की तरह। इसमें आपको बिल्कुल भी अलग से कोई यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पॉट में आप इस बिरयानी को बना सकते हैं। और इस बिरयानी को खाने के बाद या देखने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें सौंफ या धनिया पीस कर डाला है या इसे बिना यखनी के आपने बनाया है। और जो लोग फर्स्ट टाइम बिरयानी बना रहे हैं वो इस तरीके से बिरयानी बनाएं तो एकदम परफेक्ट बिरयानी बनेगी और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाएगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।